नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और बहुत ही मजे में होंगे। आज का जो मेरा वीडियो है वो है द मोस्ट अमेजिंग नंबर्स इन कुरान एंड द मिराकुलस नंबर 7। सो इस वीडियो में आई गेस कि उन्होंने नंबर 7 की इम्पोर्टेंस बताई है कि नंबर 7 की क्या इम्पोर्टेंस होती है। हम लोगों में से ज़्यादातर लोगों ने 786 तो सुना ही होगा या देखा होगा, या जो हमारे मुस्लिम फ्रेंड्स हैं या हमारे कोई आसपास में नेबर होंगे तो हम लोगों ने मोस्टली देखा होगा कि वो लोग 786 नंबर को जरूर यूज़ करते हैं। तो उसकी एक अपनी ही इम्पोर्टेंस है। इवन मैंने पर्सनली जब स्कूल टाइम में थी मैं अपनी नोटबुक्स के ऊपर 786 लिखती थी, बिकॉज मेरे काफ़ी फ्रेंड्स मुस्लिम रह चुके हैं तो उनको देखा देखी मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया। बट आई हैव नो आइडिया कि उसकी क्या इम्पोर्टेंस होती है। तो इस वीडियो में नाउ टुडे वी हैव द चांस टू लर्न मोर अबाउट कि नंबर 7 की क्या वैल्यू है और उसको इतनी ज़्यादा अहमियत क्यों मिली गई है। तो बिना वक्त ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं आज की मेरी रिएक्शन वीडियो। क्या आपके जहन में कभी ये बात आई है कि अल्लाह ने कुरान में 7 आसमानों और 7 जमीनों का जिक्र क्यों फरमाया है? क्या आपने कभी सोचा है कि पुलिस रात पर 7 मराहिल क्यों तय करने पड़ेंगे? 7 साल की उम्र से ही एक बच्चे को नमाज सिखाने का हुक्म क्यों दिया गया है? हज के मौके पर हाजी 7 मरतबा काबा का तवाफ क्यों करते हैं? शैतान को 7 कंकरियाँ ही क्यों मारी जाती हैं? जहन्नम के 7 दरवाजे ही क्यों हैं? 7 का ये हिंसा इस्लाम में इतनी अहमियत का हामिल क्यों है? नाज़रीन कराम, कुरान की आयात में हैरत अंगेज़ अददी तरतीब ऐसे कमाल तरीके से मौजूद है जो ये साबित करती हैं कि इस कायनात को बनाने वाला और कुरान को नाजिल करने वाला ज़ात एक अल्लाह ही है। बुखारी शरीफ की एक हदीस पाक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद है कि जिसने सुबह सवेरे अजवा की 7 खजूरें खाएं तो शाम तक कोई जहर या जादू टोना उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। इसी तरह कौम आद की तरफ जो हवा भेजी गई वो 7 दिनों तक वहां चलती रही, जिसने कौम आद का नामो निशान मिटा दिया था। नंबर 7 कुरान में 28 मरतबा आया है, जो कि नंबर 7 के टेबल में भी आता है। आप में से कई दोस्तों के जहन में शायद ये सवाल आया होगा कि अल्लाह ने इंसानों को अपनी इबादत के लिए बनाया है और इंसानों को अच्छे आमाल करने की तलकीन की है, तो फिर कुरान में मौजूद आयात और इन नंबर्स का क्या मतलब हो सकता है? इसके जवाब में ये कहूँगा कि अल्लाह ने इस कायनात को बगैर किसी मकसद के नहीं बनाया और ना ही कुरान में अल्फाजों को जमा करके अपनी बातों को बगैर किसी मकसद नाजिल किया है। अब अगर कोई ये कहे कि इन आयात में अल्लाह ने क्या जमा करके पूरा कुरान नाजिल फरमाया, तो इसका जवाब नंबर 7 जो कुरान में एक हैरान कुन न्यूमेरिकल यानी अददी तरतीब है। कुरान में नंबर 7 को अल्लाह ने इंसानों के फायदे के लिए तरतीब दिया है, जो आज के मॉडर्न दुनिया में भी एक मुकम्मल तरतीब के साथ मौजूद है। आज के दौर के इंसानों की जिंदगी में भी नंबर 7 एक खास मुकाम रखता है। मसलन आज की साइंसी स्टडी से हमें ये मालूम हुआ है कि जमीन के माहौल के 7 लेयर्स हैं और इसी तरह जमीन के नीचे भी 7 लेयर्स मौजूद हैं। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं और एक एटम में भी 7 लेयर्स हैं। इसी तरह जमीन के 7 बड़े आजम हैं। ये कुछ मिसालें हैं जो ये साबित करती हैं कि नंबर 7 हमारी ज़िंदगी में कितना अहम है। इसी तरह अगर आपने गौर किया हो कि एक मुसलमान जब सजदे में जाता है तो वो अपने जिस्म के 7 आज़ा का इस्तेमाल करता है, यानी अपने दोनों पांव, अपने दोनों घुटने, अपने दोनों हाथों और अपने चेहरे का। कुरान में नंबर 7 बाकी तमाम नंबर से एक अलग मुकाम का हामिल नंबर है। कुरान में सबसे पहले नंबर 7 का इस्तेमाल कुरान की दूसरी सूरत सूरह अल बकरा की 29वीं आयत में इस्तेमाल हुआ है, जिसमें अल्लाह ने 7 आसमानों का जिक्र फरमाया है, जबकि आखिरी मरतबा 78वीं सूरत की 12वीं आयत में इस्तेमाल हुआ है और जिसमें भी अल्लाह ने 7 आसमानों का जिक्र किया है। अब गौर करने की बात यह है कि दूसरी सूरत से लेकर 78वीं सूरत के दरमियान 77 सूरतें हैं,
और 77 नंबर 7 नंबर का मल्टीपल भी है। अब जो लोग इसको एक इत्तेफाक समझते हैं तो उनकी हैरानी में मजीद इजाफा होने वाला है जब मैं आपको बताऊंगा कि कुरान में जिस जगह नंबर 7 पहली मर्तबा इस्तेमाल हुआ है और जिस जगह आखिरी मर्तबा इस्तेमाल हुआ है तो इन दोनों के दरमियान टोटल 5649 आयात हैं, जो हैरानकुन तौर पर नंबर 7 का ही मल्टीपल है। यानी 7 को अगर आप 807 से ज़रब देंगे तो इसका जवाब 5649 ही आएगा। अगर यकीन नहीं आता तो कैलकुलेट करके देख लें। अब एक बात और भी काबिल गौर है कि जिस सूरत में पहली मर्तबा नंबर 7 इस्तेमाल हुआ है वो दूसरी सूरत की 29वीं आयत है, जिसका मतलब है कि उस आयत से पहले 28 आयत आते हैं जो एक बार फिर 7 का मल्टीपल है। यानी 4 ज़रब 7 28 बनते हैं। अब ज़रा उस सूरत पर भी गौर करें जिसमें नंबर 7 आखिरी मर्तबा इस्तेमाल हुआ है, तो आप ये जानकर मजीद हैरान होंगे कि कुरान की इस सूरत यानी सूरह अन-नबा की टोटल 40 आयत है और जिस आयत में नंबर 7 का जिक्र हुआ है वो इस सूरत की 12वीं आयत है। यानी 40 में से 12 निकाल दें तो 28 बनते हैं, जो एक बार फिर नंबर 7 का मल्टीपल है। नंबर्स की ये तरतीब कुरान की अजमत का शानदार सबूत है, क्योंकि एक इंसान जितना भी काबिल बन जाए वो ऐसी तरतीब कभी भी नहीं बना सकता। लेकिन अब सबसे अहम सवाल ये है कि नंबर्स के इन तरतीब का मतलब क्या है। तो इसका जवाब यह है कि अल्लाह ने इस मुकम्मल तरतीब को हमारी ज़िंदगी के हर पहलू में फिट किया है, जिसका वाहिद मतलब कुरान की सच्चाई है कि कुरान अल्लाह की तरफ से अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम पर नाजिल हुई और ये किसी इंसान की लिखी किताब नहीं हो सकती, जिसके बारे में अल्लाह ने कुरान की सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 88 में इरशाद फरमाया है कि कह दो कि अगर इंसान और जिन इस बात पर जमा हो कि इस कुरान जैसा बना लाए तो इस जैसा ना ला सकेंगे, अगरचा वो एक दूसरे को मददगार हो। अब हमारे मुआशरे में कई लोग ऐसे हैं जो नंबर्स को खुशकिस्मती की अलामत समझते हैं और इनमें नंबर 7 भी एक ऐसा नंबर है जो खुशकिस्मती की अलामत समझा जाता है। लेकिन दोस्तों, नंबर्स और किस्मत का कोई ताल्लुक नहीं, तो ये कहना कि ये नंबर मेरे लिए खुशकिस्मती की अलामत है ये दुरुस्त नहीं, क्योंकि अब्दुल्ला बिन उमरो रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को बदफाली अपनी हाजात से रोक दें उसने शिर्क किया। नाज़रीन, कुरान में मौजूद मौजज़ात में नंबर 7 हमें कुरान की सच्चाई और एक अल्लाह के वजूद का दर्स देती है और इसके अलावा कुछ नहीं। और जो लोग कुरान को अल्लाह का कलाम नहीं समझते उनके लिए कुरान में नंबर 7 के ये मौजज़ात काफ़ी हैं कि अल्लाह ने कुरान अरबी में नाजिल किया और सब जानते हैं कि अरबी में 28 हरूफ हैं, यानी 7 ज़रब 4 जो के 28 बनते हैं। कुरान की पहली आयत और आखिरी आयत में 7 अल्फाज हैं। कुरान की पहली सूरत और आखिरी सूरत में 49 अल्फाज हैं, जो 7 का मल्टीपल है, यानी 7 ज़रब 7 जो 49 बनते हैं। कुरान की वो सूरतें जिनकी आयात 7 से मल्टीप्लाई होती हैं उनकी तादाद 14 है, यानी 7 ज़रब 2 जो के 14 बनते हैं। हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की उम्र मुबारक 63 बरस थी, यानी 7 ज़रब 9 जो के 63 बनते हैं। अब नंबर 7 के ये तमाम न्यूमेरिक तरतीब एक इत्तेफाक है या फिर ये उन लोगों के लिए एक खुली निशानी है जो कुरान को अल्लाह का कलाम नहीं मानते। अच्छा, जो इस वीडियो में उन्होंने मेंशन किया था ना कि जब हम लोग प्रे करते हैं भगवान जी के सामने झुकते हैं तो हमारे 7 बॉडी जो बॉडी के 7 पार्ट्स हैं जो ज़मीन को टच करते हैं। ट्रू यार, वो तो हर रिलीजन में, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, जब भी हम मंदिर या गुरुद्वारे में ऐसे बैंड डाउन करते हैं भगवान जी के आगे, तो एक्चुअली हमारे जो नीज हैं, हमारे दोनों पाम्स ऐसे रहते हैं, तो 1-2 नीज दोनों रहती हैं, 3-4 हमारे टोज रहते हैं, 5-6 और हमारा
फेसेस रहते थे सेवन। मतलब ये चीज़ मैंने कभी नोटिस नहीं की थी, हमेशा से बचपन से ही मैं मतलब प्रे करते आई हूँ और हमेशा भगवान जी के सामने झुक के सज्दा भी करते हैं, लेकिन एक्चुअली मैंने कभी नोटिस नहीं किया था कि हमारे ऐसे सेवन मीन्स हमारी बॉडी के सेवन पार्ट्स हैं जो ज़मीन को ऐसे टच करते हैं। बहुत ही अच्छी वीडियो है, आई रियली लव इट। इतना प्रिसाइसली छोटी छोटी चीज़ें याद रखना ये किसी इंसान के बस की तो बात है नहीं। और जैसे हिंदू रिलीजन में या हमारे भी सिख रिलीजन में भी ये बोलते हैं कि सात जन्म होते हैं इंसान के, और हिंदू रिलीजन में तो सात फेरे भी होते हैं शादी के लिए कि हम लोग सात जन्म के बंधन में बनना चाहते हैं तो सात फेरे। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो नंबर सेवन से रिलेट करती हैं। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये सारी वीडियोस देख के ना मुझे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज गेन हो रही है जिसके बारे में मुझे पहले नहीं पता था। मीन्स मैं ये नहीं कह रही कि मैंने कभी इंटरेस्ट शो नहीं किया था, कभी कभी होता है कि जब हम लोग के पास कोई सोर्स ही नहीं होता कि हम कहाँ से ये चीज़ें देखें, तो हम लोग बस कहीं सुनी बातों में इधर उधर से जो भी सुनने को मिलता है बस उसी को एक्सेप्ट करते हैं, उसी को सच मानते हैं। बट जब हम एक्चुअली ये सारी वीडियोज़ देखते हैं तो उनसे पता चलता है कि मतलब इस पर तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोगों को एक्चुअली पता ही नहीं था। तो आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो भी पसंद आया हो, अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।